और आपका स्वागत है वोटेक्स एक्टिवेशन सेशन में। सो, इस वक्त जब आप अपने हार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो यू विल नोटिस कि यहाँ पे एक थोड़ा सा भारीपन है, और उस भारीपन के साथ साथ एक लिटरली ऐसे एक जैसे कि ट्रायंगल पीछे की तरफ जा रहे हैं और एक ट्रायंगल आगे की तरफ जा रहे हैं। एक ट्रायंगल इलोंगेट होते हुए इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं ऐसे करके, और एक ट्रायंगल ऐसे करके आपके पीछे से आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं। और आपके मिडिल पोर्शन में जो स्पेस है, जो प्रेजेंस है आपके, जहाँ पे आपके सेपरेशन कॉन्शियसनेस के पेन है, जब आप वो कोर्स करते हुए सेंटर पॉइंट में लेके आते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि और एक लेयर इस तरीके से, एक और ट्रायंगल ऐसे जा रहे, एक और ट्रायंगल ऐसे जा रहे हैं। जब आप ऐसे कर रहे तो इस तरीके से आपको लगेगा कि और एक ट्रायंगल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ट्रायंगल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज बिकॉज ये आपके पेन बॉडी के मॉलिक्यूल है जो आपके सेंटर पॉइंट में है, और वो पेन बॉडी के मॉलिक्यूल आपके बॉडी के सेंटर में होते हुए उस सेंटर में से सारे वोर्टेक्सेस इकट्ठा होते हुए डिस्पर्स कर रहे हैं। और क्योंकि सेंटर में से सारे ट्रायंगल्स एक मॉलिक्यूल के साथ डिस्पर्शन में आ रहे हैं, आपको बहुत सारे लिटरली ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं वो सर्कुलर पोजीशनिंग में अंदर, और ये डिस्पर्शन होते हुए आप और भी ज्यादा इस मोमेंट में आ रहे हैं। इस मोमेंट में आते हुए जो भी भारीपन, टेंशन, एंजाइटी, वरी, स्टोरीज, पास्ट के जो भी इश्यूज आपको सता रहे हैं, जो भी भारीपन आपके अंदर जाग रहे हैं, सारे के सारे ये भारीपन, सारे के सारे ये एनर्जी प्यार देते हुए उस एनर्जी के क्वेश्चन पॉइंट्स, वोर्टेक्स के कनेक्शन खोल रहे हैं। खोलते हुए एक चैन की सांस महसूस होने की एनर्जी आप में आएंगे, जो आते हुए आपके अंदर से आपके एक बॉडी के पोर्शन, आपके एक बॉडी के पार्ट जो ब्रेथलेसनेस की एनर्जी में शायद है, जो सेंटर क्वेश्चन पॉइंट में है, वो इस वक्त फर्दर मोर अपने डिस्पर्शन की एनर्जी में एक्सपैंड हो रहे हैं। जो भी मॉलिक्यूल आपके अंदर के डेंसिटी ब्रेथलेसनेस में रख रहे हैं, जो भी जगह पे टेंशन है, भारीपन है, लेथर्जी है, फैटिग है, सारे फैटिग के जो मॉलिक्यूल है वो इकट्ठा होते हुए एक पॉइंट में आ रहे हैं, जो पॉइंट के डिस्पर्शन पॉइंट्स फिर से इस वक्त खोल रहे हैं। और आप वोर्टेक्स के साथ प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और वोर्टेक्स के ये प्रेजेंट मोमेंट के अलाइनमेंट में आते हुए आपके सारे डायरेक्शंस के एनर्जी इस वक्त एक्टिवेट की जा रही है। यानी कि सारे डायरेक्शंस में आपके जो एनर्जी के फ्लो नहीं जा रहे थे, वो फ्लो इस वक्त आपके शरीर में एक्टिवेट हो रहे हैं। यू आर इन दिस मोमेंट एंड इट्स ऑल हैपनिंग नाउ एंड हियर, एंड इट्स अ कलेक्टिव शिफ्ट दैट इज हैपनिंग फॉर एवरीबडी आउट देयर राइट नाउ एट दिस पॉइंट। ये कलेक्टिव शिफ्ट को वेलकम करने से पहले
there might be a part in you which is like quite scared, quite anxious ki kya main taiyar hu is shift ke liye, kya main taiyar hu koi change lane ke liye, kya main taiyar hu ye transformation ko dekhne ke liye. So wherever, is it okay to let it all in? Is it safe to let it all in? Ki energy aa rahi hai. So basically the energy which has been in trauma, basically the energy which has been in torture, basically the energy that has been in repeated state of hurt, going to that energy vortex and loving you there. Again, us part mein bhi dispersion points khul rahe hai aur sare direction ke saath aapke connection ho rahe hai. Having to allow you to release that anxiousness state out, and aapke pain body aur bhi zyada kam ho rahe hai is waqt, chote ho rahe hai, aur aapke pain body chota hote hue aapke pain body ke is positioning ko प्यार देते हुए, इस एनर्जी के डिस्पर्शन पॉइंट में रखते हुए, उस पेन बॉडी के जो भी पॉसिबिलिटीज वो पेन नहीं देख पा रहे थे, जो भी पॉसिबिलिटीज वो पेन को नहीं दिखाई देने के वजह से पेन की एग्जिस्टेंस है, काफी सारे पॉसिबिलिटीज खोल रहे हैं और लीप ऑफ फेथ और अश्योरेंस के एक्टिवेशन इस वक्त हो रहे हैं. आई मीन विद लीप ऑफ फेथ and patience being activated, it's also giving birth to effortlessness ki energy. Lekin effortlessness ki energy pure alignment mein lane ke liye jo anxiousness ki presence hai center portion mein, that anxiousness is again from, will it be worth the leap of faith? So लीप ऑफ फेथ के जो एनर्जी वाइब्रेशन है, बिफोर दैट इज एक्टिवेटेड अगेन द पेन बॉडी, जो लीप ऑफ फेथ लेने के वजह से पास्ट में हर्ट महसूस कर चुके हैं, भगवान के साथ अपसेट महसूस कर चुके हैं, द पेन बॉडी विच हैज ऑलरेडी सफर्ड, दैट पेन बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग एन अपसेट विद द सोर्स कॉन्शियसनेस. And that is the root and cause of separation. Or separation sirf aur sirf source consciousness se hai. Separation kisi insaan se nahi hai. Separation pyar se nahi hai. Separation kisi se nahi hai. Separation sirf aur sirf bhagwan se hai. Separation sirf aur sirf expectation ke wajah se hai. Separation sirf aur sirf self-sabotaging activities ke wajah se hai. सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बिलीफ के वजह से है, और ये सारे लिमिटेड बिलीफ एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द बॉडी बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ फियर एंड फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फ्यूचर. तो व्हेरेवर फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फ्यूचर के जो वोर्टेक्स है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज चले गए हैं, इट इज बीइंग एक्टिवेटेड अगेन. अगेन आपको लगेगा कि सेंटर में देर इज अ बॉल, जहाँ पे शायद रेवरबरेटिंग मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पेन है, जो डिस्पर्शन में आ रहे हैं. डिस्पर्शन से आते हुए आप हर एक कोने में देख सकते हो कि वो एक ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वोटेक्स के साथ कनेक्टेड है, ट्रायंगल के टिप पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, जो इलोंगेट करते हुए होलोग्राफ की तरह लिटरली कुछ इस तरीके से, एंड विद दिस पोर्शन हैविंग दैट अनदर बल्ब हियर, आपको होलोग्राफ के फिजिकल रियलिटी के एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं. तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन पूरे तरीके से अपने आप में ये समझ डाल रहे हैं कि वी क्रिएट आवर रियलिटी, एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होते हैं. वी रियली क्रिएट आवर रियलिटी एंड हैविंग टू नो वी रियली क्रिएट आवर रियलिटी, इस डिस्कशन पॉइंट के जो डीप सीटेड पेन है ऑफ नॉट बीइंग यूनिक, ऑफ नॉट स्टैंडिंग आउट, ऑफ नॉट एनीथिंग, ऑफ
something, whatever this pain is, whatever the story is basically that causes the pain, which is the center point of potential, going there, you will be feeling a lot of release in your body. और आपको लगेगा कि आपके बॉडी के काफी सारे पार्ट्स में आपको सेंसेशन महसूस होने लगेंगे, शायद काफी सारे पोजीशन में आपको कोल्ड साइसेंस भी लग सकता है, बिकॉज़ यू आर कमिंग इनटू अलाइनमेंट विद द सोर्स कॉन्शियसनेस. सो दिस डीप सीटेड पेन दैट इज देयर, दिस डीप सीटेड पेन इज कमिंग टू आई एम अपसेट विद गॉड because my love life hasn't been as I expected, my life purpose hasn't been as I expected, the revelation process hasn't been as I expected, there's a lot of pain in this journey, there's a lot of purging in this journey, there's a lot of complaint in this journey, and life is getting tough, and it seems like life is happening to me, not for me. These are some of the constraints जिसके वजह से separation consciousness होते, and also like कभी भी मेरे कोई भी relationship काम नहीं करते थे, कभी भी none of my relationships really worked out, none of my relationships really fell in place, there's so much to complain, I hate my life, I do not know भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मुझे क्यों प्यार नहीं करते हैं, हमेशा मैं ही मिलती हूँ भगवान को टॉर्चर करने के लिए, हमेशा मैं ही हूँ जो भगवान के बकरा है जिसको भगवान कुछ भी करते रहते. आई वोंट टॉलरेट इट एनी मोर, आई विल क्रिएट माई ओन वर्ल्ड, आई एम डन, आई विल नॉट इंक्लूड गॉड इन दैट वर्ल्ड, आई एम डन. दीज आर द लेयर्स जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस की शुरुआत है. And every time you are thinking these things, every time you are having these thoughts, strangely and beautifully, God is a part of those thoughts too. God is actually putting those thoughts in you. And you might be wondering that why would God put those thoughts in me? And why would He do that? Because He loves you, He is in your team, and everything is happening in your favor. God is supporting you in your favor, and in your favor life is unfolding and life is happening for you, and it is for you to realize that. Ye jante hue pain body ke pain comparatively should reduce, to ye pain body ke reduction jo ho rahi hai pain ke abhi, is reduction ke look like आपके सेपरेशन कॉन्शियसनेस सोर्स से है, और जिस मोमेंट आपके सेपरेशन कॉन्शियसनेस हट जाते हैं आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हार्मोनियस यूनियन में आ जाएंगे, अपने लाइफ पर्पस के साथ हार्मोनियस यूनियन में आ जाएंगे, आपके जिंदगी के ट्रू पाथ के साथ, ट्रू पर्सनालिटी के साथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ. ऑर्गेनिक ग्रोथ इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज आई पर्सनली एक्सपीरियंस इट, एंड इट्स the most beautiful expression of life, and it's a true success. You will be in alignment with that vibration. And is waqt lag sakta hai ki aapko thand lag raha hoga, body temperature change ho raha hoga, it's all right, aap vortex mein aa rahe hain. It's a big day for you, it's a new life, it's a new birth, it's a rebirth for you, and it's happening now. Abhi it's waqt, it's happening in the collective flow of the consciousness as designed and decorated by the divine, and having to have it in this flow at this point of time, jahan pe bhi aapke separation consciousness ke wajah se complaint purging hai, complaint purging ke aur bhi karan jo main download kar rahi hu, it's that I'm not happy with my job, I'm not happy with the work I do, I do not know why I go to this office every day in the morning, or I have to just sit down and work every day in the morning because I do not like this work. And another download I'm getting is that I'm doing so much of inner work, I'm doing so much of stuff. Why isn't there a change with my guy? Why isn't my guy shifting his behavior?
मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना कुछ हो रहा है, क्यों ये बंदा सुधर नहीं जा रहे है? उस बंदे को सुधरने की कोई बात ही नहीं है, उस बंदे को कुछ करना ही नहीं है, वो बस है, आपको मिरर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप भगवान के साथ कितना डिस्टेंट है, और आपके सेपरेशन विद गॉड इज इक्विवेलेंट टू योर रिलेशनशिप विद एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी इज अ होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन। तो जो भी कारण के वजह से देयर इज दिस टर्मल्ट इज टॉर्चर एंड ओके मोर डाउनवर्ड्स आई एम गेटिंग इज व्हाई डिड गॉड पुट मी इन अ फैमिली लाइक दिस एंड व्हाई डिड गॉड पुट मी थ्रू सो मच ऑफ टॉर्चर इफ देयर वाज सो मच ऑफ लव, व्हाई डज माय लाइफ हैज टू बी फुल ऑफ सफरिंग। एंड इफ यू क्रिएट आर रियालिटी व्हाई डू यू हैव टू सफर सो मच, इतना सफरिंग क्यों? एंड दिस इज द रूट एंड कॉज ऑफ कंप्लेन एंड सेपरेशन, एंड दिस इज वेयर द इनर पोजिशनिंग पोर्शन इज लाइक मुझे और सफर नहीं करना है। एक्चुअली सफरिंग इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सफर करते हुए आप समझते हैं कि मुझे और सफर नहीं करना है, मुझे एफर्टलेसली लाइफ को जीना है, ताकि आप एफर्टलेस लिविंग को अपने जिंदगी में अनअपोलॉजेटिकली ले सकते हो। कहीं ना कहीं इस वजह से सफरिंग आते हैं। सो नोइंग कि आप अपने रियलिटी को क्रिएट करते हो, अभी तक क्या हुआ है फर्क नहीं पड़ता है, इस मोमेंट से आप अपने रियलिटी को क्रिएट करने वाले हो, इस मोमेंट से आप अपने रियलिटी को कुछ ऐसे स्टेट में ले जाने वाले हो जहाँ पे एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। तो ये चीज आप खुद से कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज एन एनर्जी कमिंग दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग अगेन, सेपरेशन कॉन्शियसनेस की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है एंड दिस हैज बीन अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट एंड आई विल नॉट वर्क फॉर समवन एल्स एंड आई डू नॉट विश टू वर्क इन यूनिटी, आई वॉन्ट टू वर्क इन द एसेंस ऑफ माई बींग हैप्पी इन माई ओन रियालिटी। तो जहाँ पे भी ब्लॉक है ह्यूमैनिटी के, दैट इज वाई ट्विन फ्लेम्स हैव बीन क्रिएटेड टुगेदर, ताकि वो एक दूसरे को अपने लाइफ पर्पज में कॉम्प्लीमेंट कर पाए और यूनिटी की वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में रख पाए। सो वेर एवर आपके ट्विन फ्लेम के लाइफ पर्पस के साथ नाउ दे आर मूविंग इन टू लाइफ पर्पस वेरी नेचुरली बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द प्लान, सो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके लाइफ पर्पस के जो सर्च है, जो एनर्जी सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे आप लिटरली वो वोर्टेक्स के साथ इस अलाइनमेंट में आ गए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इज दिस इवन रियल, इज दिस रियली हैपनिंग, डू यू रियली हैव अ ट्विन फ्लेम, डू थिंग इज रियली फॉल इन प्लेस, डू योर ट्विन फ्लेम रियली लव यू, इज इट रियली वर्थ द एक्सप्लोरेशन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ये सारे क्वेश्चंस के समय आपके जो इनर पोर्शन के जगह है वेयर देयर इज अ डीप प्रिकिंग ग्ले, बिकॉज दिस पोर्शन इज इन लॉजिक, कैसे होगा उसके और मेरे तो लाइफ पर्पस अलग है, उसके और मेरे तो इंटरेस्ट अलग है, उसके और मेरे तो ये अलग है वो अलग है, कैसे वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा, कैसे क्या होगा। Now giving birth to the idea that you are the niche. You are the niche. आप खुद निश है। You are the niche
और आपके जितने सारे हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें आपके प्रोबेबल प्रोडक्ट्स है, एंड यू कैन डू ऑल ऑफ देम, लिव लाइफ लिविंग ऑल ऑफ देम. द प्रॉब्लम दैट कम्स इन इज दैट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा, हाउ कैन आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू डिमांड, हाउ विल वॉट हैपन, हाउ विल थिंग्स फॉल इन प्लेस, हाउ डज द प्रोसेस रियली रियली वर्क. Wherever this, how does the process really, really work is coming. We're again coming back to the vortex activation. ये जो coercion point के center है, ये center के एक portion है. इस वक्त ये हो रहे हैं आप सबके साथ. At this moment in time, at this point in time, ये आपके साथ हो रहे. ये experience अभी आप जिंदगी में experience कर रहे हैं. इसी वक्त ये एक्सपीरियंस आपके अंदर बन रहे हैं, तो ये जानते हुए कि इसी वक्त हो रहे हैं, इस फीलिंग अ बिट अश्योर्ड मैजिकल, एंड इन दैट मैजिकल एसेंस एज वी गो डीपर इनटू योर हार्ट एनर्जी सेंटर, द एनर्जी दैट इज वॉरिंग एंड कॉजिंग पेन, anxiety, anxiousness is that will everything fall in place? Firstly, yes, everything ultimately falls in place and you do not have to know how they will, this they will. And having to know that as you go into the center energy coercion point, और वो सेंटर एनर्जी क्वेश्चन पॉइंट में जाते हुए आपके फिर से बहुत सारे ट्रायंगल्स आप देख पाएंगे, बहुत सारे डायरेक्शन में जा रहे वोर्टेक्सेस, यानी कि जो टिप पॉइंट है, दैट्स इन दिस क्वेश्चन पॉइंट फॉर्मिंग अ वेरी मेनी लेयर्स टुगेदर, एक साथ बहुत सारे टिप पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल्स एक साथ, ऐसे 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 है, ऐसे है, ऐसे है, और बहुत सारे टिप पॉइंट्स ऑफ जो ट्राइंगल्स है वो अलग अलग तरीके से एक साथ पॉइंटेड आउट है, और ये सारे ट्राइंगल्स होलोग्राम है जो आपको रियलिटी को बना रहे हैं, और आपके रियलिटी जैसे भी बन रहे हैं दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ यू आर फीलिंग इन दैट सेंटर मॉलिक्यूल. तो वो सेंटर मॉलिक्यूल के डीपर लेयर में जाते हुए देयर इज अ लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल जो ऐसे तरीके से है और इस तरीके से वो है, एंड इट हैज टू बिकम दिस, एंड इन ऑर्डर टू बिकम दिस दैट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिक्वेस्ट टू रिमेम्बर, एंड हैविंग टू टेल दैट पार्ट एंड make that part realize that everything happens in divine order and I am the niche and all my skills and everything will fall in place, my life purpose will fall in place, I can be a multi-trillionaire and my dream to become a trillionaire can come true. There are various ways of investment in the 3D world, shares, real estate, having restaurant, having your self-development business, having a knowledge industry business. What is difference between knowledge industry and self-development industry? Inner child healing, self-love, ये सारे चीजें, vibrational healing, ये सारी चीजें self-development के part है. Again, self-development has various parts like psychological self development, तो आप psychotherapy के लिए जा रहे हो या फिर counseling के लिए जा रहे हो, depression के psychotherapeutic way से आप heal करना चाहते हो, और
होलिस्टिक अप्रोच स्पिरिचुअल वे से जा रहे हो। अब स्पिरिचुअलिटी के भी काफी सारे भाग है, वेदर आप एनर्जेटिक हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन हीलिंग करना चाहते हैं, काउंसलिंग करके करना चाहते हैं, क्वांटम इंटीग्रेशन थेरेपी के जरिए काम करना चाहते हैं। क्वांटम इंटीग्रेशन इज अनदर पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। स्पिरिचुअलिटी क्वांटम फिजिक्स वर्क हैंड इन हैंड, दे आर ऑल वन, ऑलमोस्ट वन बट येट नॉट। This part of 3.0 is purely based on quantum physics and the quantum world of spirituality, which you all are working in. And quantum world occurs and understands and operates on a very vibrational and molecular level. That's how I understand life on based on molecules. So I express that also. And every human is capable of doing that. So you have the same body, it's just the focus that attention flows, where focus goes. Quantum fields is just one aspect. Now, quantum hypnotherapy is there, which Dolores Cannon had introduced. There is cognitive science. There are yogic methods, which is again physiological development. Stress relief ke liye there are bars, EFT. EFT and bars are very similar inventories. Then, agar aap Ayurveda ki taraf aate ho, Ayurveda is another aspect jahan pe you can try to nurture your knowledge. Ayurveda ke saath saath there is homeopathy. Homeopathy ke saath saath there is Reiki. There is energy healing, light healing. Light healing ke saath saath, you can say there is access consciousness healing. Access consciousness ke saath saath, you can say there is healing for clearing entities. Then with entities, this side it can be, there is a domain jahan pe aap akashic library ke upar kaam kar sakte, akashic library, star seeds. बहुत सारे स्टार सीड्स है, सारे स्टार सीड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग बिकॉज इफ यू नो अबाउट एवरीथिंग व्हाई नॉट, इट्स वेरी रेयर टू नो एवरीथिंग एंड इफ यू नो एवरीथिंग यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग। आकाशिक लाइब्रेरी में क्या क्या आ सकते हैं, मेडिटेशन आ सकते हैं। इनफैक्ट मेडिटेशन इज अगेन अनदर डोमेन, मेडिटेशन आ सकते हैं। देन यू कैन हैव आकाशिक एनर्जी क्लियरिंग, आकाशिक एनर्जी थेरेपी। फिर आप बहुत सारे मेमोरी सेंटर पॉइंट्स में जाते हुए मेमोरी क्लियर कर सकते हैं। आप आकाशिक लाइब्रेरी के साथ अगर डीपली काम करें तो देर इज अ थिंग इन आकाशिक लाइब्रेरी जो आई हैव शेयर्ड इन वन ऑफ माई क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, आई डोंट रिमेम्बर, आई मीन सम ऑफ यू वर देयर। कि आप एक कैमरा रील की तरह बहुत सारे विजन्स को देख पा रहे हैं और जो भी विजन आपको पसंद नहीं है, जो भी विजन में आपको पेन आ रहे है, वो एनर्जी में जाते हुए अपने हाथ में प्यार लेते हुए, प्यार महसूस करते हुए आप वो रील को बस प्यार कर सकते हो। प्यार देते हुए आप वो पैरेलल रियलिटी के वो सिचुएशन को बदल सकते हो और वो ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट आपको ऑटोमेटिकली और एक पैरेलल रियलिटी में भेजने वाले, वेर यू कैन लव एंड ट्रांसेंड दैट एनर्जी टू। एंड दिस इज सम ऑफ द वेज हाउ यू कैन वर्क विद आकाशिक लाइब्रेरी। एंड देर आर लाइक वेरियस वेज हाउ यू कैन वर्क विद आकाशिक रिकॉर्ड। आप बस किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में टैप कर सकते हैं, जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आप चैनल करते हुए उनके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में कैसे टैप इन कर सकते हैं, इसके लिए ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट हैव कीकैट, सो एनीवे यू ऑल विल बी डूइंग कीकैट। बट कीकैट के जरिए आप हर एक आकाशिक फील्ड में टैप इन कर सकते हैं, क्योंकि आकाशिक फील्ड इज बेसिकली द क्वांटम फील्ड। अब अबव सो बिलो एज विद इन सो विदाउट, आपके शरीर के अंदर जो भी सारे फील्ड्स है, जो भी सारे चक्रा पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स के वाइब्रेशन में जाते हुए आप ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन के इनसाइट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन दैट केस आप सारे चक्रा पॉइंट्स के ऊपर टैप करते हुए सिर्फ इंसान के पूरे लाइफ के समझ को
एनालाइज कर सकते. सो दिस कैन बी अ कंप्लीट आकाशिक रीडिंग फॉर अ पर्सन, जहाँ पे आकाशिक रीडिंग देने के लिए आप हर एक चक्रा पॉइंट्स में टैप इन कर रहे हैं, हर एक बॉडी के लेयर में सेंटर पॉइंट के एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, और वो एनर्जी छुपे होने के कारण देख रहे हैं, बचपन के कौन से एनर्जी आ रहे हैं वो देख रहे हैं, और जानते हुए टैप इन करते हुए उस एनर्जी के वाइब्रेशन में जा रहे हैं. एंड हैविंग टू गो इन टू द वाइब्रेशन, दिस गिव्स बर्थ टू आकाशिक क्लियरिंग, वेयर आप जा रहे हो, जाते हुए आप उस जगह पे जाते हुए आप देख रहे हो कि उस एनर्जी के स्टोरीज क्रिएट हुए है, वो सिचुएशन क्रिएट हुए है, और वो जो इंसान है उस जगह पे, उस इंसान को पेन है. एंड देन यू गो देयर एंड लव दैट पर्सन, एज यू लव दैट पर्सन, मोर लव यू गिव, मोर लव यू गिव, दैट पेन ट्रांसम्यूट इन टू लव. पेन ट्रांसम्यूटिंग इन टू लव इज एल्केमी. So alchemy is another way you can call yourself an alchemical transformation coach, because just by going within and making a person love themselves in a space and helping them transcend the reality and be here, you can be alchemical transformation coach. You can work with the present moment, with oneness, is waqt, is moment mein ka cheeze ho rahe, the power of now. It's all happening here and now. इस वक्त सब कुछ हो रहे, तो लोगों को बस प्रेजेंट में, वनेस में लाने के लिए. So now again, there is a lot of controversy between people trying to get people in the present moment and people suffering from trauma, but both go hand in hand, because yes, it is necessary to be present in the moment, but जो इंसान trauma से गुजर चुके हैं, to that person trauma is extremely very real, और बहुत सारे portions है जो trauma में जी रहे हैं, और trauma में जीने के वजह से आप सामने बहुत कुछ तो हो जाता है, but वो pain के साथ बैठे हो, past की वो situation के साथ आप बैठे हो, तो obviously for that person, उस person के अंदर जाते हुए, उस pain को feel करते हुए, उस person को heal करना, release कराना is the source of giving solution to that person. क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि जो इंसान ट्रॉमा में रहता है, first 2 years I can write it down, इंसान 2 years or 3 years maybe a person might not be able to open up about it and really prefer to go for talk therapy. But talk therapy के साथ साथ if you implement healing, so you can provide the person both at once. Because talk therapy helps the person rant, because wo insaan, yes, you create your reality. Aap jitna wo cheez baar baar bata rahe ho, wo cheez aapki reality mein ho rahe hai. But wo jo pain hai, wo pain bahut time baat karte, ek jagah pe aate hai, jahan pe wo pain ko aap andar jaake mehsoos karne ke, wo state mein bechare wo pain aa jaate hai, ek trauma victim ke liye. So for many trauma victims or CPTSD patients or people who have inner child issues, talk therapy is another domain how they can expand their life purpose. And now inner child healing has very many modalities. Inner child healing ke bahut sare upay hai. मैं क्रोनोलॉजिकल मेथड अप्लाई करती हूँ. क्रोनोलॉजिकल मेथड वो समथिंग आई केम अक्रॉस इन 2003. आई डोंट नो हाउ, बट इट जस्ट हैपेंड एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माय सेल्फ एंड सॉर्ट माय थिंग्स आउट क्रोनोलॉजिकली. एवरी डे आई यूज्ड टू मेक इट अ थिंग कि अच्छा अभी क्या हुआ है, सो लेट्स क्लियर इट. एंड दैट वॉज एन इंटरनल टॉक थेरेपी दैट आई वुड डू फॉर लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ. So chronological revelation of phases is somewhere, that's how I figured out. Chronological order ke saath saath andar jaate hue us pain ko feel karte hue, us pain ko transmute karna is another great and very fast method, also known as how to love yourself method. Then we have mirror method, jahan pe aap mirror ke samne, मिरर मेथड के ऑल्सो भी बहुत सारे पार्ट है. मिरर के सामने आप बात कर रहे हो, या फिर आप पार्ट्स वॉक कर रहे हो, या फिर आप अपने एस्पेक्ट के ऊपर टैप इन करते हुए काम कर रहे हो,
अब स्पेक के ऊपर टैप इन करने के ऊपर काम करने के साथ साथ देर इज अनदर कंडीशनिंग दैट इज कमिंग इन टू प्लेस विच इज एवरीबडी इज अ होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विद इन. सो दैट थ्योरी दैट अंडरस्टैंडिंग कम्स इन टू प्ले इन दैट प्रोसेस. विद ऑल दीज बींग सेट यू कैन ऑल्सो गो फॉर एक्यूप्रेशर, गो फॉर EFT, BARS, Access Consciousness, any consciousness foundational method, actually, it's Access Consciousness, it's actually accessing the consciousness where you access it. You access your consciousness full potential. So it is various ways, jis tarike se aap apne consciousness ko expand karna chahte ho, kar sakte hai. With that being said, this is one domain I was talking about. Iske saath saath, what goes hand in hand is knowledge industry, which I am extensively a part of. And knowledge industry is building course, sharing course, teaching something, teaching what you know to others. Knowledge industry is all about self-development industry, healing industry, holistic industry, spiritual, alternative medicine, therapy ke baad. Knowledge industry is going hand in hand because many people in the self-development industry is also coming and being a part of the knowledge industry and sharing their skills and knowledge. A knowledge industry, actually, aap koi bhi domain se aate hue knowledge industry ke part ho sakte. It's not that aapko spirituality se hi aana hai. You might be from any domain. Aap cooking classes kar sakte ho, sewing classes kar sakte ho. Sewing classes is something very unique because in fact this generation hardly knows to do that. So if you know to do that, it's a huge blessing. In fact, abhi lockdown ke time hai, people are not preferring to go to the parlor. A simple knowledge industry business as teaching somebody how to do your eyebrows at home can be a very important way of earning. Makeup courses, masterminds, having group classes like this and sharing your knowledge. This is called a mastermind. Mastermind is where you bring in the things you want to share. Have people who register for your mastermind who are willing to learn what you're willing to teach and you share. Aur aap koi bhi cheez ke mastermind kar sakte hai. Cooking mastermind, dancing mastermind, sewing mastermind, painting mastermind, singing mastermind, just anything. Then there is event. And through events, you can just share your knowledge and share your skills, share some value that you have. Jo value share karte ho, aap dusre ke life mein value add kar pa rahe hai. Aur uske life ko transcend kar rahe hai. This falls under knowledge industry. कोई भी चीज को लेके आपको knowledge है, you can build that in form of a course and share in form of products. So this is another industry which is knowledge industries. के साथ साथ there are other industries which are going hand in hand, which comes to marketing. Now marketing has various ways. Of course, there is traditional marketing method. वेर आप बिल बोर्ड के ऊपर चिपक रहे हैं या फिर नॉर्मल कहीं पे ऑनलाइन एड दे रहे हैं या फिर न्यूज पेपर में एड दे रहे हैं, न्यूज पेपर के साथ लिफलेट में दे रहे, ब्रोशर के मेथड से दे रहे. दैट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ मार्केटिंग. इसके साथ साथ मार्केटिंग के जो मेथड आ रहे हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. अगेन इट हैज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके की मार्केटिंग. इसके साथ साथ अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू टुडे called vibrational marketing. That's what I follow. Vibrational marketing is where aap apne andar rehte hue, apne flow mein rehte hue, apne alignment mein rehte hue, universe ke saath alignment mein rehte hue, har ek moment aapko jo marzi aa rahe, jo aapke man mein aa raha hai, jaise aapke life flow kare, waise aap flow karte ja rahe, karte ja rahe, karte ja rahe. And in that process, kyunki aap har ek moment अलाइनमेंट में है, उस अलाइनमेंट के वाइब्रेशन के जरिए यू रीचिंग आउट टू मोर वाइब्रेशंस व्हिच आर जस्ट गेटिंग इट एंड थ्रू द एसेंस ऑफ वाइब्रेशंस यू आर
attracting clients who connect to you from that basis of vibration within. And when you connect to clients from that basis of vibration within, then on a molecular level, if you're working, you can simply operate from those molecules and really add values in your client's life by just shifting in some molecules inside of you and working on a molecular level or a vibratory level or a vibrational level, and organically reaching out to people just by the virtue of your vibration. It's also called vibes attract, right? A lot of spiritual gurus apply this method. This is why bahut sare yogis jo hote bahut saal tapasya karte, tapasya karne ke baad one fine day the transformation happens in their life and they gain the potential that they already have. They already had the potential. They gain the acknowledgement for their potential that they hadn't. So that is because they follow vibrational marketing, or rather tapasya. And that is where you just, your main focus is to go within and flow within and allow that transcendental flowing method to occur. And this also forms your life purpose and living your unique life purpose in God. Life purpose has various phases. Now, living your unique life purpose in God is like putting God as the center of your reality. Separation consciousness ko hatate hue, putting God as the center of your reality and having to praise God, having to love God for the sake of loving God, nothing else. Having to praise God, love God, having to love your peacefulness, having to love your state of alignment, having to love your state of being where you are. You just be and flow. You just be and flow. And you continue to love yourself and you be and flow every moment. And in this being and flow, aapke revelation ke process hote hai, aapke twin flame ke awakening hote hai, twin flame ke understanding aate hai. And this gives birth to the 5D consciousness reality, jahan pe aap 5D ke tarike se business kare. So all this while we were learning skills like Indral therapy, NLP, Reiki, then switchwords, then voodoo, then spell work, then there are many things like that actually. There are Access is one of Access actually a 4D, 5D tool, more than 4D tool. There are like endless cheeze hai. Akashic record is again more of 5D tool than a 4D tool. But there are various things in the 4D, like Feng Shui, astrology, then tarot reading, then there are like endless stuff in that reality. Jo aap spiritually implement kar sakte hai, spiritually aap seek sakte hai, and upon learning that you can take it as your profession and skill. This is a way, and another way is that you want to be an oracle reader. You want to just go deep and dive and read somebody on a soul level. A 5D tarike se soul level, vibrational tarike se cheeze janna chahte ho, vibration tarike se cheeze dekhna chahte ho. Wo soul ke essence ke saath aapko rehna hai, twin flame ke saath rehna hai, twin flame ki reading karna chahte ho, twin flame ke channeling karna chahte ho, twin flame ke energy ke flow mein rehna chahte ho, bhagwan ke words ke channeling karna chahte ho. When you are in that energy, so bhagwan ke energy ke words ke aap channeling karna chahte ho, aap bhagwan ke energy ke essence mein flow karte hue transform karna chahte ho, aap bhagwan ke energy ke essence ke sath har ek kingdom ke parallel reality mein shift lana chahte ho manifestation ke zariye, ab apne khud ki reality banana chahte ho, आपको वाइब्रेशन से चीजें समझ में आते हैं, तो आप वाइब्रेशनल रिपोर्ट बनाना चाहते हो, बस वाइब्रेशन को कैच करते हुए कहते हुए कि वो वाइब्रेशन में क्या हो रहा है और क्या चेंजेस लाने से वहां पे शिफ्ट हो सकता है. आप शिफ्ट कॉन्शियसनेस करना चाहते हो, आप क्वांटम इंटीग्रेट करना चाहते हो चीजों को,
आपको मैजिक चाहिए, आप ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट चाहते हो, यू वॉन्ट टू डाइव डीप, यू वॉन्ट टू गो विद इन, एंड दिस इज द 5D रियालिटी. एंड 5D रियालिटी के जो बिजनेस होते हैं इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अलाइनमेंट. मोर अलाइंड यू आर, मोर इन वननेस यू आर, मोर यू फ्लो इन द एसेंस ऑफ गॉड, मोर यू फ्लो इन द एसेंस ऑफ योर ट्रूथ, the magical miracle transcends and transposes in your life and your divine life purpose in god. jahan pe aap bhagwan ko serve kar rahe hain wo kaam karte hue wo aapke samne reveal karte hain. you can uphold god and praise god and be fully in love with the essence of god. jab aapne ट्रू लाइफ पर्पस की एसेंस के जिल में आप फ्लो कर रहे हैं, तब वो फ्लो की एसेंस इतना एफर्टलेस होगा, आपको प्रेज करने की वैसे ही मन आएगा, आप प्रेज के मूड में ही रहेंगे, बिकॉज दैट लव्स एसेंस, दैट फ्री फ्लोइंग ब्यूटी ऑफ लव फ्लोइंग इन एवरी कॉर्नर विल पोट्रूड आउट एंड यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, गॉड इज सो ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस सो ब्यूटिफुली. जब ब्यूटीफुली चीजें नहीं होते, हम फोर्सिबली चीजें करते, देयर ऑलवेज कंप्लेनिंग, पर्जिंग, वाइनिंग, कंप्लेनिंग, बीइंग सैड, थिंकिंग कि उसके साथ हो रहे, मेरे साथ नहीं हो रहे. बट व्हेन यू आर इन दिस फ्लो यू नो दैट इट्स ऑल वर्किंग आउट परफेक्टली, इट्स ऑल वर्किंग आउट फाइन एंड इट्स हैपनिंग इन द फ्लो, इट्स हैपनिंग इन अलाइनमेंट एंड every moment in every essence you will be but living your life's essence in god and flowing in your alignment in god and flowing in your truthfulness in god, loving god, making god the center of your reality. And that is when you are truly starting to call in your true twin flame, truly starting to call in your true life purpose. And that is why these classes are. And true life purpose, true twin flame is beyond all the skills. Because skills आपके पास है, वो skills के जरिए आप अपने uniqueness में rise करते हुए, को create करते हुए, कैसे आप transcendental shifts ला सकते हैं? और को creation इस journey में हर एक layer में होते हैं, because you have a soul purpose with your soul family. You have a soul mission with your soul family, you have a soul mission with your twin flame, and you have a soul mission of self-development. And after the process of self-development, पूरे तरीके से आपको अपने unique essence के समझ में आते हैं, unique life purpose के समझ में आते हैं, unique interest के बारे में समझ आते हैं, और जो भी चीज आप प्यार से करो, जो प्यार से करते हुए आप भगवान को center में रख रहे हैं, वही आपके लाइफ के लिबरेशन बन जाते हैं. नाउ दिस आल्सो हैज फेजेस. यू विल बी देयर आर फेजेस. फर्स्ट इज हसलिंग, जहां पे आप फंड रेजिंग कर रहे हो. फंड रेजिंग के टाइम यू कैन डू एनीथिंग, बट इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन लव द फंड, यू कैन लव द फैक्ट दैट यू आर फंड रेजिंग एंड डू दैट. यू मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज my mentor Dean Graziosi, in fact Tony Robbins was a janitor. Dean Graziosi used to work in a car garage, and that was for the hustling period. And hustling period mein aap kuch bhi kar sakte ho. I started doing 99 rupees tire reading. You can do anything for the hustling period. Hustling period mein aap apne basic fund jama rahe hai, jo fund aap invest karenge apne self growth ke liye. आपके सेल्फ ग्रोथ होने के बाद आप के फिर से फंड जनरेशन के फेज आएंगे, जहां पे आप अपने अलाइनमेंट में फंड जनरेट करेंगे अपने एफर्टलेसनेस के साथ. एफर्टलेसनेस के फंड जनरेशन के बाद यू रीच अ स्टेट ऑफ रिनाउंसिएशन. नॉट एवरीबडी रीचेस अ स्टेट ऑफ रिनाउंसिएशन, मेनी पीपल रीच अ स्टेट ऑफ रिनाउंसिएशन वेयर यू माइट बी आस्क्ड टू गिव अप ऑन एवरीथिंग. And when you go through that phase of renunciation, you may experience downward spiral. Downward spiral जब सब कुछ खत्म हो रहे, upward spiral सब कुछ जब up scale हो रहे. जब आपके downward spiral हो रहे, तो एक test के phase आते हैं business में. Many test phases will come, जहाँ पे आपको test किया जा रहा है whether you want to be in the market or not, because
in the spiritual reality, we're all one, but we're not all one in the marketplace. And how you are sticking to the marketplace. And after having to go through that rigorously, you may want to go for pipelines. Pipelines is where already there is a company, there is a startup. And with the startup, you are making yourself known, making yourself aware. And I am a part of various startups. I'm a part of various masterminds. I work for various startups. I work as coach, consultant in various startups. I'm available for KBB also, because those are all naturally KBB consultants and knowledge brokers, because we are knowledge broker graduates. And the reason I'm a part of various startups is because when I see how its startup works, I can implement that in my own startup also. And when you have a pipeline is one founded place, jo founded place ko aap प्रमोट करो और वो प्रमोट करते हुए ऑटोमेटिकली आपके पास काम आ रहे, ऑटोमेटिकली आपके खुद के प्रमोशन हो रहे, ऑटोमेटिकली आपके पास खुद के क्लाइंट आ रहे, आपके क्लाइंटेल्स बढ़ रहे हैं. और आपके क्लाइंटेल्स जितना बढ़ता जाएगा उतनी जल्दी आपके एक्सपेंशन होते जाएंगे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आते जाएंगे. एंड इन दिस प्रोसेस, इन दिस अंडरस्टैंडिंग, आप फाइनली एक जगह पे आएंगे जहाँ पे विदाउट द नीड ऑफ एक्सट्रैक्ट समथिंग, विदाउट द नीड टू मुझे कुछ करना है, विदाउट द नीड टू डू एनीथिंग, यू रीच अ स्टेज जहाँ पे यू आर लाइक आई वांट टू को क्रिएट, आई वांट टू बिल्ड समथिंग टुगेदर विद एवरीबडी. एंड व्हेन यू आर विलिंग टू बिल्ड समथिंग टुगेदर विद एवरीबडी, दैट लीड्स टू द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. बिजनेस इज वॉट सर्व्स यू, इंडस्ट्री इज वॉट सर्व्स एवरीबडी. And there's a huge difference between a businessman and an industrialist, because if you have long-term goals, think in terms of industry. Trust me, you won't be sad about it in the long run. The process might be difficult, but you won't be sad about it. Because as a business, you can have a business within the industry. You can have many businesses within the industry. But if you are thinking in terms of industry, and if you start to think yourself and the industry, everything that you know, everything that you are aware of, every domain you are interested in, every place of interest, every field of interest that you have, you can expand them all. So this is a type of business that you can have. Iske saath saath, if you are a creative, so शायद आपको गाना पसंद है, you can have your music school, you can have your music classes. शायद आपको डांस करना पसंद है, you can have the same with dance. Maybe आपको history में interest है, literature में interest है, maths में interest है, computer में interest है, coding में interest है, कोई भी चीज हो सकता है, ethical hacking में interest है, कोई भी चीज हो सकता है जो आप जानते हैं, जिसमें आप interested है, जो आप किसी को सिखा सकते हैं, जो वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है. डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, देयर आर वेरियस कोर्सेज दैट आर गेटिंग पॉपुलैरिटी. एंड इफ यू हैव एन अवेयरनेस ऑफ इट और नॉलेज ऑफ इट, यू कैन हैव अ क्रैश कोर्स फॉर द सेम, फॉर पीपल टू हैव एन आइडिया ऑफ इट. एंड ऑल्सो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ योर इनकम. Then it might, in marketing also, you can teach people simply how to market, you can teach people simply how to say, you can teach people simply how to teach, you can teach people simply how to facilitate, you can teach people simply how to dress, you can teach people simply how to carry their fashion, you can be a fashion blogger. And blogging industry is also evolved, because you can be a model, you can have your own channel where you're doing pranks, challenges. You can do everything together too, because nobody else has done it doesn't mean that you can't do it. You can be the first one to do it. I do everything because I'm interested in everything. I know that I am the niche and all my interests are my products, and I love the fact they're all my products. I love that I have so many of my interests, and I genuinely love my interests from the core of my heart. जितना मुझे राइटिंग पसंद है उतना ही मुझे टीचिंग पसंद है. आई लव टू टीच व्हाट आई नो.
आई जेन्युइनली लव टू शेयर व्हाट आई नो, नॉट बिकॉज आई वांट टू शो ऑफ माय नॉलेज, बट बिकॉज मैं जब एम्प्टी करती हूँ अपने कप को, जो भी मुझे पता है, मुझे और भी चीजें पता होता है, और भी चीजें मैं जानने के लिए अपने रूम को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि आई हैव डिलीवर्ड दिस नॉलेज, नाउ आई कैन लर्न मोर. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, मे बी आपको सोना पसंद है एंड यू आर अ हीलर, ट्रस्ट मी यू कैन हील योर क्लाइंट्स टू बाय स्लीपिंग एंड हील योरसेल्फ आल्सो टू स्लीपिंग. अगर आपको आपके लाइफ के इसी वक्त पर्पज, मकसद ये ठहरे कि मुझे 48 आवर्स सोना है, गो अहेड डू दैट, यू फ्री टू डू दैट, एंड दैट्स वेयर यू आर लिविंग फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्लोइंग फ्रॉम योर हार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ योर बीइंग. खुशी के साथ इस मोमेंट में आप अपने जिंदगी को जी रहे हैं. जो भी चीज आपको पसंद है वही चीज इस वक्त आप कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ अनदर टॉपिक दैट कम्स इन इज दैट विल कम टू वेरियस अदर वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग ऑल्सो, बट अनदर थिंग दैट इज कमिंग इज दैट हाउ विल द क्लाइंट कम, हाउ विल मनी कम. आई हैव गॉट मोर देन मनी टिल डेट फॉर लाइक even more than I ask, like whatever I ask for, I get always more than that from God. And money comes to you exactly the way it is supposed to, or sab kuch divine timing mein ho rahe aapke saath. Aapke jo clients honge, they are all your divine clients, they're all destined to be in your reality at that point in time. And in that way, you can have an organic, aligned, life purpose-based business. If they are your destined clients, if you work with people who are not your destined clients, or you're doing something just for the sake of hustling, then they are your clients who are helping you to increase your fundraising. So it's very important to know that koi bhi cheez agar aap kar rahe ho, be very clear about your intention. Then only the money will come. For example, when I was doing 99 tarot, I was clearly not doing it for the sake of reading tarot. I was not doing it because I care about people and I was giving the 99 rupees reading. I was doing it to increase my funding. And because I was doing it to increase my funding, my focus was that I am doing it to increase my funding. And because this person is helping me increase my funding, I'm going to give my best to this person to the extent I can. Because my funding is getting increased. So aapki jo focus hai, aapko focus wahan pe rakhna hai. If you want to earn, you have to focus on money. If you want fame, you have to focus on fame. If you want to make a big difference, long-term planning, you have to focus on long-term planning. Jo bhi aapke focus hai, usi tarike se cheeze aapke saath aligned honge and every other thing will naturally fall in place. From time to time, the focus has to differ because you are a businesswoman and you have to be flexible with yourself. Like your company is going for a loss, you have to change your focus to funding again and fundraising again and work on fundraising. And once you have done your fundraising ceremony and you're done with the fundraiser, you're in a state of satisfaction, then you can move on to another level of it. And the fund raised in fact will be the fund you invest in leveling up your company altogether. So there are other methods how you can earn is simply by share. Again, share ke saath aap vibrational intuitive application kar sakte ho. Kaun se share mein mujhe abhi invest karna chahiye, kaun se share abhi market kaisa hai, kaun se share ke abhi kaun se company ke मार्केट अच्छा चल रहा है जिसके मैं ज्यादा शेयर खरीद सकती हूँ, जिसके शेयर खरीदते हुए मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाले. तो अलाइनमेंट करते हुए, अपने कार्ड चेक करते हुए, अपने इंट्यूशन के साथ रेकी देते हुए, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर शेयर मार्केट सिस्टम ऑल्सो. यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज. ग्रेट वे टू अर्निंग मनी इज टू बाई अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इफ यू कैन रेंट दोज प्लेसेस. Transmute them to PG, give it to restaurants, keep to anything basically. Give it to offices, to anything you can.
then you can in fact buy a lot of properties and sell them when you can lay later. And in an area जहाँ पे obviously property के जो price है वो बढ़ जाएंगे and you can buy it in a place and then sell it much later at a higher price by not using it but keeping it intact and then selling it but in a price compared to the market उस वक्त you can sell it less a price in a time when it is in demand and push through it. So know who investment goes in waste. So you can have bitcoins investment, you can have investment through products like your creation. Now coming to artistry, if you're an author and if you love to write, I can completely understand the kind of pain an author or a poet can go through because an author truly wants to be read. A true author who's really any author actually wants to be read. Anybody who loves to write actually wants to be read. And whenever, as an artist, you are struggling, always remember that there's room of getting better. और आपको ये स्ट्रगलिंग फेज में रखा जा रहा है क्योंकि वो स्ट्रगलिंग फेज से आप खुद को बेहतर बनाते हुए और भी बुक्स पढ़ते हुए और भी अपने स्किल्स को शार्पन करते हुए अपने बेस्ट ऑफ क्रिएशन तक आप पहुंच पाएंगे वेयर यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट बेस्ट सेलर. अगेन बेस्ट सेलर इज अ वाइब्रेशन एंड ऑफ कोर्स यू कैन पब्लिश विद ग्रेट companies like Hay House and others to automatically get enlisted in a New York best-selling books and all. If you really want, you can really do that. For organic reach and organic transformation, organic transcendence, for everything, best ways to go within and work in your inner space within and love yourself within and allow universe to unfold it for you. And in that unfolding process, everything starts to fall in place. So, how will you know आपके life purpose क्या है? आपको सबसे ज़्यादा just go ahead and write down today 30 things जो आपको पसंद है ज़िंदगी में. Any 30 things जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, actually दिल से पसंद है. Don't think पैसे कहाँ कैसे आएंगे, because I just told you all. How you can earn money doing anything. Actually, I was a person who was very interested in business since my childhood, and there was a game I would play. I would sit with everything in the house and set up a shop in the drawing room, and I would ask my parents to come and give me rupees, and then I would calculate, and they would bug, and I would fight with them. It was a game I used to play in my childhood. I used to call it मैं दुकान दुकान खेल रही हूँ. So I personally have an interest. I love business. Like generally मुझे दिल से पसंद है business करना. So दिल से अगर आपको business पसंद है तो दिल से आप कौन से चीजें कर सकते हो, दिल से आपको कौन से चीजें करने हैं, दिल से आपको कौन से चीजों में इंटरेस्ट है. आप सैनिटाइजर भी बेच सकते हैं. You can have your own essential oil based sanitizer. You can have your own potions. You can just have anything. You can do what I'm doing also. You can just give them generative ideas. If you're very lazy and you know that you're too good with generating ideas for people, you can go ahead and do that. I love to generate ideas. And it comes to me very naturally. I don't have to do anything. I'm just telling them what all they can do. They just have to implement. मैं तो बस ऐसे बैठे हुए ideas दे सकती हूँ. That's a source of income too. That's a way of earning too. Along with that, you can be a. In fact, आप किसी के personal advisor बन सकते हो share के, mutual fund के, investment के. उनके बिजनेस कोच बन सकते हो उनके बिजनेस को बेहतर कराने के लिए. इनफैक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग. आई मीन यू कैन जस्ट सेल एनी प्रोडक्ट एंड गेट शेयर फ्रॉम इट, लाइक गेट
percentage from it. I mean, in my YouTube channel, you will see I've clearly written join Dean Graduzzi School. This is the email address because I'm going to get paid. Every time a person registers there, I'm going to get paid. So that is why. And you can expand your source of income like anything. Right now, I am, in fact, I am planning to work for a company as YouTube manager. Like, I will, they have the graphic designer and everything. All I have to do is see whether the thing, whether the content, niche jo content diya ja raha hai, wo properly ja rahe hai ya nahi, and it's going in a very trending way, classy way or not, because again, for that you need to know the trend, and I might be going for it. It would be just for fun and exploration purposes. And again, because I will be getting to be a part of another startup. And the interesting part is that aap jab bhi koi bhi cheez mein actual interest raha rahe hai, koi bhi cheez mein aap actually interested hote rahe, focus kar rahe, you may come to a state of realization that you can just do anything to expand on that. Like, whatever you are interested in, you can like go on expanding it in various ways. And you can just do everything if you want to do. Or just be you and everything will fall in place. Doing nothing. Just being you. Because that's what I'm also doing. I'm just being me. And I know everything is falling in place. That is also a way. Iske saath saath aap products bana sakte hai, jaise ki tarot cards ho gaye hai, affirmations book ho gaye. Unique kuch cheez bana sakte hai jo kisi ne nahi banaya hai. For example, aapke paas koi aa rahe hai manifestation ke liye, to aap unke liye scrap book bana sakte hai, jahan pe aap bas pictures laga rahe hai. Life can get that easy. I'm just giving an example. मैंने इनफैक्ट एक बार सोचा था आई विल डू पर्सनलाइज्ड स्क्रैप बुक फॉर पीपल, लाइक ओ माय गॉड, आई हैव टू कट दोस फोटोज एंड ऑल दैट, बट आई नेवर फोर्स योरसेल्फ. यू ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव्स, लाइक आई हैव एन अल्टरनेटिव टू जनरेट आइडियाज. सो यू कैन इनफैक्ट हैव अ स्क्रैप बुक जहाँ पे आप फोटोज लगा रहे हो आपके क्लाइंट्स के, आप बस फोटो चिपका रहे हो उनके लिए, अफर्मेशन लिख रहे हो उनको, बस डेकोरेट विकोरेट करते हुए अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन के, एक पर्सनलाइज किड बुक उनके लिए बनाते हुए यू जस्ट गिव इट टू देम, एंड यू कैन चार्ज देम $1,000 बिकॉज यू गिवन सो मच ऑफ एफर्ट देयर. जस्ट एन एग्जाम्पल, योर स्पेशलाइज पर्सनलाइज अफर्मेशन बुक ऑफ द ईयर, where your whole year's vision board, career, everything I have put intact with everything, with affirmations and everything, with heart and love. I've done it. You just keep it and it changes. With that, I am also giving you other gifts like potion for healing, spell for this, Reiki for that. And it's a complete package that I'm offering to you. And with this package, you can take your life to the next level. इसके साथ साथ यू कैन इंक्लूड इन फैक्ट दैट आप किसी को कुकिंग सिखा रहे हो, आप किसी को कोई, यू आर शेयरिंग, इन फैक्ट यू कैन हैव लाइक आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है और आप लोकलाइज्ड के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पे आप ऑलरेडी मसाला वसाला एक साथ रखते हुए फ्रेश प्रोडक्ट्स खरीदते हुए वीकली 7 days के लिए उनको देके आते हैं, एंड दे जस्ट कुक एंड दे हैव इट एवरीथिंग रेडीमेड. आप सारे मसाला भी ऐसे करके देते हैं, दे जस्ट हैव टू मिक्स एंड पुट एंड कुक एंड द फूड इज रेडी. एंड विद फूड इटसेल्फ देयर कैन बी सो मेनी एक्सपेंसिव वेज हाउ यू कैन एक्सपैंड. यू कैन टीच हाउ टू बेक कुकीज, यू कैन सिंपली बेक कुकीज, हैव अ प्लेस वेयर यू बेक वेयर, और यू हैव अ कैटरिंग कंपनी जहाँ पे आप कंपनीज की कैटरिंग करते हो, या फिर कुछ हेल्दी keto diet ke catering karte ho, or you can teach various ways ki kaise koi vegetarian veganism ki baat ho rahi hai. People do not go for veganism because option kahan hai zyada. Jab option dikha sakte ho ki aap bhindi ko leke 10 ways to cook bhindi, 100 ways to cook bhindi can be a course. I will love to buy it. I'll give it to my mom, she'll cook it for me. But
I would love to buy it. And 10 ways to make fish curry. 100 ways to make fish curry. 200 different ways of making fish curry. 200 different ways of making chicken curry. How to play with chicken. Just giving examples. There are like so many things you can do in life. And astrology, in fact, has so many domains. Like, I myself am an astrology student right now. And I am doing astrology specialized in medical astrology as well as business astrology. Medical astrology because I want to know ki kaun se stars ke wajah se kaun se rog hote hain, stars ke saath kya connection hote hain. Business astrology because I want to make a difference in my life. But I will also incorporate it as a product 3-4 years down the line when I have become a professional astrologer and I have the certification with me. It's not about the certification, it's also about the learning, and it's like getting to know it, getting to learn it, because I have always been very skeptical of it and also curious about it. So I'm just trying to know ki hai kya cheez. Because I was not really a believer of it. I'm not a believer of gemstone, but gemstone is another source of great source of income. Crystals are great source of income. Like, you name it, I'll tell you. So everything you can transform into a business. But the point is to do it from your heart. Because when you're doing it from the heart, from the power, it will not last for too long. And it will be momentary, but you will not get that essence that I am talking about. To get that essence, you have to do it from your heart and never force yourself. Chahe kuch bhi ho rahe, chahe kuch bhi ho jaye, I'm going to just slow. I'm just going to let the process be. I'm just going to flow in the natural course of my being, and every other thing will fall in place. And it does. You can have your masks. You can have your dresses. I already have my merchandise. You can have your literally anything. Pens. You can just write your company's name and have pens. And literally anything. T-shirts. In fact, pens, t-shirts, these are ways of marketing. For free, people use these things to go around giving people just for the sake of marketing. Why do you think companies give away t-shirts with their brand written on it? So that when people see somebody wearing that, they will be inquisitive of it. Yeah, this is a company, they'll register, and wow, they're doing so much work, they're storing so much of things. And this will at least make 1,000 may at least 4 people will go, 100 may at least 4 people will go ahead and search for it. You have to be open to various source of marketing, but also, again, if you are marketing from a place of lack, you will attract more lack. This completely comes under vibrational marketing, which a normal marketing person will not understand. For that person, now I'm losing my business, now I'm not going to my business, good time, they will see it. But honestly, for a person who's seeing it from the other side on a very vibrational way, for that person, the thing is that if you're in lack, तो कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज होना है, कोई भी चीज आपको पसंद नहीं है, कोई भी चीज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कोई भी चीज में आपको कुछ भी चीज लाना है, वो रूट आपको ढूंढना है. जब वो रूट आप ढूंढ पाएंगे तो आप ऑलरेडी फ्लो में आ जाएंगे. फ्लो में रहते हुए जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट मार्केटिंग एस्केलेट्स अप योर रिजल्ट. अदरवाइज मार्केटिंग करते हुए भी लाइक there's no change happening. I'm going to so many digital markets. There's no change happening. Because it is a process and you have to come from a place of abundance within. And that is why self-development is like the blueprint of any industry. So if you're in the self-development industry, you can work with people from every possible industry. Because self-development is the blueprint. जिस मोमेंट आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट और अलाइनमेंट के ऊपर काम कर चुके, तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी. यू वांट टू मेक डॉल्स, यू कैन जस्ट मेक डॉल्स ऑफ अ स्पेसिफिक नेशन स्टाइल. फॉर एग्जांपल बार्बी.
बारबी इज ऑल्सो स्पेसिफिक मिशन टाइप डॉल जो एक टाइप तरीके से बनाया जाता है। बारबी के भी बहुत सारे भाग है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के टाइप है। बच्चा वाला बारबी, बारबी के क्वालिटीज, हाउस फॉर्मेट, दे हैव अपग्रेडेड देयर कंपनी सो मच एंड एनी डॉल। एंड इन फैक्ट अगर आप होलसेल मार्केट में भी जाते हैं, यू विल सी कि एक मार्केट है जहां पे सिर्फ मे बी दे आर मेकिंग वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओनली, निश स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मे बी वो 4 साल के बच्चों के लिए एक डॉल बनाते हैं, जो डॉल के हाथ में फीडिंग बॉटल है और फीडिंग बॉटल के अंदर एक मिल्क है जो मिल्क मूव करता है। और वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बनाता है होलसेल में। एंड देर आर अदर पीपल हु आर कमिंग टू देम, शॉप्स कमिंग टू देम एंड बाइंग दोस फ्रॉम देम, एंड इट्स कम्प्लीटली गेटिंग रिसाइकल बिकॉज द प्रोडक्ट इज इन डिमांड। आप एक प्रोडक्ट के साथ भी दुनिया बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, इट हैज टू कम फ्रॉम योर हार्ट, इट हैज टू कम इन अलाइनमेंट, एंड इट ऑलवेज कम्स इन अलाइनमेंट, इट ऑलवेज फॉल्स इन प्लेस इन अलाइनमेंट। इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ अलाइनमेंट। अगर आप कॉन्शियस है तो आपको दिखेगा, आप अगर आप कॉन्शियस नहीं है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सारे के सारे चीजें इस दुनिया में अलाइनमेंट में ही हो रहे हैं। देर आर पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, पर्च, कंप्लेन, मेक लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अदर्स बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर ग्लेयरिंग अप इन देयर वेलर ऑफ सक्सेस बिकॉज दे हैव वर्क्ड फॉर सम इयर्स इन सम कंपनी एंड स्टाफ, एंड दे ग्लेयर अप इन देयर इगोइस्टिक पर्च एंड फ्रस्ट्रेशन बिकॉज उन लोग के जिंदगी थम गए हैं, कोई एक्सपेंशन नहीं है। एंड वेन देर इज नो एक्सपेंशन, फ्रस्ट्रेशन इज एविडेंट। राइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जब आपके माइंड डेविल्स वर्कशॉप हो रहे हैं, आप वो स्टेज में हो, आप लोगों के लिए भी जीना हराम करना शुरू करेंगे, आप लोगों को भी शांति से नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपके लाइफ में भी स्टैगनेंसी आ गए है। लाइफ में जब भी स्टैगनेंसी ताकि ना आए, लाइफ कॉन्स्टेंट फ्लो में चलते रहे, इसीलिए आपको एक्सपेंसिव बनने की जरूरत है। जितना आप एक्सपेंसिव है उतनी आपके लाइफ फ्लो करते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, एंड द लीस्ट यू विल कंप्लेन बिकॉज वन डोर क्लोजेस 10 डोर ओपन, एंड दैट इज हाउ योर लाइफ विल बी। एंड यू जस्ट नीड टू बी यू एंड फ्लो, एंड वेन एवर यू आर बींग यू एंड यू आर फ्लोइंग and whatever you are choosing to implement and experiment and be open to experimenting with your business because you are doing the business for yourself within, be open to experimenting, be open to make it a draft and explain, have fun, do whatever you want to do because everything is happening in a process. Jab bhi aapko man se koi awaaz aa rahi, do it, take those steps, take those steps, take those steps, take those steps, do not get lost in the desire of fame and popularity, because organic fame and organic popularity is when every viewer, every person who's taking interest in your product is also investing in your product. When there is a lot of you're giving a lot and you're not receiving anything and influx is not in balance, there's some problem there. So you need to find new ways, implement new ways, appoint new ways, widen your perspective, keep on going within and expanding your consciousness. And once you go in that process, that alignment comes, everything starts to propel forward, everything starts to fall in place. But in that process of alignment, जब आपके हर एक layer process of alignment के करके खोल रहे हैं, वो प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट में फाइनली यू रीच अ प्लेस व्हेन एवरीथिंग सडनली जस्ट अलाइन्स इन एवरी वे एंड यू फील लाइक होल, यू फील कंप्लीट, एंड देन अनदर लेवल अप हैपेंस, अनदर ब्रेक थ्रू हैपेंस, एंड यू जस्ट कीप अपस्केलिंग, अपस्केलिंग, अपग्रेडिंग, 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 एंड द एक्सपेंशन एंड अपग्रेड डज नॉट स्टॉप। व्हेन इट स्टॉप्स, फ्रस्ट्रेशन कम्स इन। So evolution is a continuous process. Creation is a continuous process. Be very
क्रिएटिव, बी वेरी फ्लोइंग, एंड मोर यू फ्लो मोर यू क्रिएट फ्रॉम नॉट अडियरिंग टू कंसिस्टेंसी. चूज टू बी इनकंसिस्टेंट, बिकॉज आप जितना इनकंसिस्टेंसी में अपनी जिंदगी जियेंगे उतना आपको कम फर्क पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं. जिस मोमेंट आप लोगों के बारे में फोकस करना बंद कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा सब तो वाइब्रेशन है, मुझे तो भगवान को सर्व करना है. उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे तो अपने आप को खुश रखना है, अपने खुशी में जीना है, अपने खुशी में जीते हुए, खुशी जॉय जॉय के फ्लो में जीते हुए अपने आप के खुशी में मुझे रेजोनेट करना है, वाइब्रेट करना है. वो समझ आपको आ जाएगा, वो समझ आते हुए आपको समझ में आएगा कि इसी मोमेंट में, इसी वाइब्रेशन में रेजोनेट करते हुए, खिलते हुए, हंसते हुए, इसी मोमेंट में अपने लाइफ को हंसते हुए, खिलते हुए देखते हुए, एक्सपेंशन में देखते हुए, मुझे ग्लोरीफाई करते हुए, इसी मोमेंट में प्रोपेल फॉरवर्ड करके, इसी मोमेंट में मुझे ये खुशी चाहिए, ये शांति चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पीसफुलनेस चाहिए. और ये पीसफुलनेस, खुशी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट, इसी मोमेंट में, ये सेटिस्फैक्शन और होलनेस और एपिफेनी में अपने जिंदगी में भुला सकती हूँ. और यही एनर्जी में प्रेजेंट में रखते हुए, विश्वास करते हुए, योर लाइफ विल स्टार्ट टू प्रोपेल फॉरवर्ड, योर आइडियल क्लाइंट विल स्टार्ट टू कम इन टू योर लाइफ, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. यू आर योर आइडियल क्लाइंट, और आपको मेक डू द बिजनेस फॉर यू. कंसिडर योर सेल्फ टू बी योर आइडियल क्लाइंट. देर आर टू टाइप्स ऑफ बायर, इमोशनल बायर, लॉजिकल बायर. तो आपके अंदर भी इमोशनल बायर, लॉजिकल बायर दोनों है. तो खुद के साथ आपको मार्केटिंग करना है, खुद को प्रोडक्ट्स बेचना है, खुद को अपने आइडियल क्लाइंट के रूप में देखना है, खुद को अपने आइडियल कस्टमर के रूप में देखना है. जब आप खुद को अपने आइडियल कस्टमर और क्लाइंट के रूप में देख रहे हैं, और खुद को इमोशनली और लॉजिकली चीजें बेचते हुए खुद के साथ वो बिजनेस कर रहे, खुद को अपने पोटेंशियल क्लाइंट समझ रहे हैं, यू विल बी सराउंडेड विथ 10 मिलियन मोर ऑफ यू. सो दैट्स इन शॉर्ट ऑफ व्हाट एंड हाउ यू कैन कॉल इन योर क्लाइंट अवतार, एंड व्हाट योर लाइफ पर्पस बेसिकली इज, एंड हाउ यू कैन हैव एन एक्सपेंसिव लाइफ फुल ऑफ वैल्यू. एंड You can do anything. You can teach a language. अब कुछ भी कर सकते हो, as I said, कुछ भी. You have studied something, teach that. Start sharing it. You can have, you can help people who are going through UPSC, SSC. आप उनके लिए कोर्स बना सकते हैं. You can simply make a course. You can simply have writing a love letter, which कोई जाके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देंगे. वैलेंटाइंस डे लव लेटर्स, ये भी आपके बिजनेस हो सकते हैं. कुछ भी यू कैन डू. सो हैविंग टू नो दैट यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी, एंड लाइफ कैन बी मैग्निफिसेंट. गो बैक एंड थिंक अबाउट इट, एंड थिंक ऑफ 30 थिंग्स, 40 थिंग्स, 50 थिंग्स, 100 थिंग्स, 200 थिंग्स, 300 थिंग्स दैट यू लव. मोर यू फ्लो इन व्हाट यू लव, मोर यू नर्चर टू रियलाइज व्हाट यू लव, एंड नो दैट यू आर योर क्लाइंट. Your world only surrounds you. कोई नहीं है आपके दुनिया में आपके सिवाय. You are, everyone is you pushed out. आपके सिवाय दुनिया में कोई है ही नहीं. तो आप अपने क्लाइंट हो, आपको खुद को बेचना है, खुद के दुनिया में लॉस्ट रहना है, खुद के साथ बात करना है. The only reason I'm so sorted on YouTube and so confident, I don't fumble, is because I talk to myself. मैं खुद के साथ बात करती हूँ. Why will I be shy to talk to myself? Talk to yourself. Make yourself understand. Do everything for yourself, and that is when you'll do it from a place of complete love, wholeness, unapologetically, and that will open the gateway for the transcendental new beginning to open the gateway, which is already open for you now. Congratulations on that, because the celestial heaven gateway has been open for you, and you're right here in the moment experiencing a transcendental shift. Enjoy and love and light to you. Thank you.